हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाली गिरधवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑडिट के, क्योंकि अब साल भर होने को आने वाला है, हमारी जीएसटी का और ऑडिट का टाइम भी आने लग गया है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ हॉचपॉच किया है, कहाँ क्या करना था पहले नहीं पता था, कभी रिटर्न का फॉर्म गलत था, कभी हमारा डेटा गलत था, बहुत कुछ गलतियाँ हैं। तो ऑडिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया, स्पेशली पहले साल का ऑडिट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑडिट के प्रोविज़न जीएसटी में कहाँ कहाँ दिए गए हैं लॉ में, रूल्स में, वो सब आज हम उस पर एक नज़र डालेंगे, ताकि हमें कंसेप्चुअली क्लियर हो कि ऑडिट हमें कब करना है, कैसे करना है, किसको करना कंपलसरी है। वो सारे के सारे प्रोविजन्स आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 कवर करता है ऑडिट के प्रोविज़न। वैसे जीएसटी में दो और ऑडिट भी हैं, सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66 के, लेकिन वो डिपार्टमेंट का ऑडिट है और दूसरा ऑडिट है जब डिपार्टमेंट स्पेशल ऑडिट कराता है किसी सीए को हायर करके, तो वो एक अलग ऑडिट है। जो यूनिवर्सल एक ऑडिट है जो सबको कराना होगा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने पे, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे और वो दिया गया है सेक्शन 35 के सबसेक्शन 5 में। वैसे अदरवाइज सेक्शन 35 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को कवर करता है, सिर्फ सबसेक्शन 5 ऑडिट की बात करता है। तो क्या लिखा है सेक्शन 35 के सबसेक्शन 5 के अंदर, वो एक बार देखते हैं। इट सेज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड इफ हिज टर्नओवर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। प्रिस्क्राइब लिमिट कहाँ पे? रूल 80 सबसेक्शन 3 के, सब रूल 3 के अंदर दी गई है वो। तो यानी कि प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस होने पे हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना है। नेक्स्ट, अब किससे ऑडिट कराना है? तो सेम सेक्शन के अंदर ही लिखा है बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कोस्ट अकाउंटेंट, यानी कि सीए और सीडब्ल्यूए वो लोग कर सकते हैं ऑडिट जीएसटी का। इसके बाद प्रिस्क्राइब लिमिट, यहाँ पे लिखा है सिर्फ कि प्रिस्क्राइब लिमिट से आप ऊपर आपका अगर टर्नओवर होगा तब आप ऑडिट कराएंगे जीएसटी का। तो वो प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है वो एक बार देखते हैं। तो रूल 80 का सब रूल 3 वो इसको कवर करता है। तो सब रूल 3 क्या कहता है वो एक बार चेक करते हैं। इट सेज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, सो प्लीज अंडरलाइन कीजिए, नोट कीजिए इसको, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर है कब, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर इंडिया में क्या चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, देन दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35, जो हमने अभी भी पढ़ा था। एंड ही शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म जीएसटीआर 9C। 9C में एक रिकंसिलेशन है जिसका पहले एक बार फॉर्मेट आया था, लेकिन फिर उसको फॉर्म्स के लिस्ट में से उठा लिया गया। इसका हम लोग वेट कर रहे हैं। ऑडिट का वीडियो हम लोगों ने लेट भी इसीलिए किया क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट उसका पहले आए ऑडिट रिपोर्ट का और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, और वो उसको कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर, ही हर सेक्शन के अंदर लिखा होता था जब भी कोई फाइलिंग होती है जीएसटी में। अब वो ऑनलाइन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी थी ऐसे ही सेक्शन में कि ऑनलाइन लेकिन नहीं हो पाई, बट ठीक है फिलहाल के लिए हम प्रोविजन समझ रहे हैं। तो प्रोविजन से खास बात क्या निकल के आई सामने, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, तो जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करती है 2 करोड़ रुपए से, उसको ऑडिट कराना है जीएसटी में सेक्शन 35(5) वाला ऑडिट, और वो ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी है, साथ में उसको 9C का फॉर्म 9C का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करना है। ठीक है, अब आपने ये दोनों प्रोविज़न देखे तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि इस प्रोविज़न में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट सपोज ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड की 10 ब्रांचेज हैं 10 अलग अलग स्टेट में, और उन सारे के सारे स्टेट की जो ब्रांचेज है उनकी जो टर्नओवर है वो 3-3 लाख रुपए है, या लेट से 30-30 लाख रुपए है। 30-30 लाख रुपए अगर उनकी टर्नओवर हो गई सबके सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस की अलग अलग जो 10 स्टेट के अंदर फॉल करते हैं, तो टोटल टर्नओवर उनकी 3 करोड़ रुपए की हो गई। अब 3 करोड़ रुपए की उनकी जो टर्नओवर है ए लिमिटेड की, तो क्या उन्हें अपने 10 के 10 रजिस्ट्रेशन को ऑडिट कराना है, या उनको अपने सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का ऑडिट कराना है, या उनको किसी का भी नहीं कराना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पहले जो टर्म यूज़ किया है उन्होंने टर्म यूज़ किया है ए रजिस्टर्ड पर्सन। ए रजिस्टर्ड पर्सन जो कि डिफाइन किया गया है हमारे जीएसटी एक्ट के अंदर, तो रजिस्टर्ड पर्सन से क्या मतलब है?
रजिस्टर्ड पर्सन से मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25. तो सेक्शन 25 में जिसको रजिस्टर किया गया है दैट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, और अदर देन अ पर्सन रजिस्टर्ड एज अ UIN होल्डर, मतलब जो UIN होल्डर्स हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, बट उसके अलावा जो लोग सेक्शन 25 में रजिस्टर किए गए हैं वो सबके सब लोग रजिस्टर्ड पर्सन हैं. अब सेक्शन 25 को जब हम लोग डिटेल में देखेंगे, सेक्शन 25(4) क्या कहता है, सेक्शन 25(4) बात करता है डिस्टिंक्ट पर्सन की, यानी कि हर डिस्टिंक्ट पर्सन को जो अलग स्टेट में फॉल करते हैं अंडर सेम पैन, उनको एक अलग रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा जीएसटी के अंदर, इनकी हर डिस्टिंक्ट पर्सन का एक अलग रजिस्ट्रेशन होगा. तो जब मैं ये कहती हूँ अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, सेक्शन 25 ने क्या कहा, एक पैन में अगर 10 अलग अलग पर्सन है अलग अलग स्टेट में तो उनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, यानी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन मतलब उनमें से एक, तो यानी कि 10 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो 10 रजिस्टर्ड पर्सन वो हो गए. अब वापस चलते हैं हमारे सेक्शन पे, तो उसने क्या बोला, ए रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि कंपनी की 10 में से एक रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जिसकी की टर्नओवर क्रॉस करती है प्रेस्क्राइब लिमिट. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी. जब आप रूल पे आएंगे तो रूल पे उन्होंने टर्नओवर की जगह एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज कर लिया. अब यहाँ से मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है. एग्रीगेट टर्नओवर की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या कहती है कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल एग्जाम टीए वो सब मिला के एग्रीगेट टर्नओवर उन्होंने लिखा है. वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है, अंडर सेम पेन ऑफ ऑल रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेम पेन, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, एक पेन के अंदर जितने रजिस्टर्ड पर्सन है सबकी. अब मैं अगर बोलती हूँ एक रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर, तो रजिस्टर्ड पर्सन तो एक पेन के अंदर बहुत सारे हैं, और एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज करते एक्चुअली क्या हो गया, सबकी टर्नओवर इकट्ठे कैलकुलेट हो गई. दोनों प्रोविजंस में आपस में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ने, फिर आप सिर्फ पर्सन वर्ड यूज करते, एनी पर्सन वर्ड यूज करते, जो पर्सन वर्ड की डेफिनेशन है दैट इज वेरी वास्ट. पर्सन मतलब जैसे हम इनकम टैक्स में पढ़ते थे बहुत सारे पर्सन, AOP, BOI, इंडिविजुअल कंपनी, ये वो सब पर्सन है. तो कंपनी अपने आप में पर्सन होती, तो मैं पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर देखती तो उस पर्सन के जितने रजिस्टर्ड पर्सन है सबकी टर्नओवर ऐड कर लेती. लेकिन आप कह रहे हो एक रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट वर्ड लगाने का मतलब तो वो पैन को कवर कर रहा है, जबकि रजिस्टर्ड पर्सन जो खुद में एक एंटिटी है वो पैन को कवर नहीं करती, वो सिर्फ एक सिंगल एंटिटी है. तो यहाँ पे अगर मैं इसकी पर्पजिव इंटरप्रिटेशन लूँ तो लॉ में एक आपस में मिसमैच है. पर्पजिव इंटरप्रिटेशन अगर लूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की सारे के टर्नओवर से हो, क्योंकि अगर मैं वो मीनिंग लूंगी तो जैसा आपने मेरे इस वाले एग्जाम्पल में भी देखा कि सबकी जो टर्नओवर है वो 30-30 लाख की है, राइट. अच्छा, इस केस में अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब सारों की ले लूँ तो 2 करोड़ से क्रॉस हो गई, तो इसका मतलब सारी एंटिटी 10 के 10 लोगों को यानी कि ऑडिट कराना पड़ेगा, राइट. तो वो तो मुझे नहीं लगता कि लॉ का पर्पज ये होगा कि जो 30-30 लाख वाले टर्नओवर वाले 10 लोग हैं उन 10 के 10 का वो ऑडिट कराएं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा. अब इसमें एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये तो चलो फिर भी आपको शायद रीजनेबल लग रहा होगा कि चलो 30-30 लाख है तो करा सकता है बंदा ऑडिट, ऐसा नहीं है. अब मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी, ए लिमिटेड कंपनी की अब 5 ब्रांचेज हैं, उन 5 में से हेड ऑफिस है दिल्ली में लेट्स सपोज, ठीक है, उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपये है, और जो बाकी की 4 ब्रांचेज हैं उनकी जो टर्नओवर है वो लेट्स सपोज एक्सपेंस बुक करती हैं और थोड़ी थोड़ी सप्लाई करती हैं, राइट. तो उनकी जो टर्नओवर है सिर्फ 2-2 लाख रुपए है. अब अगर मैं वो वाली इंटरप्रिटेशन लेती हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पूरी एंटिटी यानी कि पर्सन की टर्नओवर ना कि रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर, तो अब अगर मैं वो वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, वाला मीनिंग लेती हूँ उसका, तो बड़ा वियर्ड रिजल्ट निकल के आएगा कि भैया एक एंटिटी की 2 करोड़ की टर्नओवर थी तो बाकी की जो 4 एंटिटी हैं जिनकी टर्नओवर सिर्फ 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए है, क्या आप उनको बोलोगे नहीं तुम भी ऑडिट कराओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? तो ये तो बहुत बड़ी हार्डशिप हो जाएगी. तो मेरे हिसाब से जो इसकी पर्पजिव इंटरप्रिटेशन है वो ये होनी चाहिए कि भले ही वहां पे उन्होंने रूल में एग्रीगेट टर्नओवर लिख दिया, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन की बाकी सब चीजें एज इट इज उठा लो, एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सब उसकी टर्नओवर ले लो इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट टर्नओवर, लेकिन जो उन्होंने लिखा है अंडर सेम पैन सारे रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन वो वहां से हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती. तो इस हिसाब से अगर देखें, अब मैं इसका अगर क्रक्स निकालूं तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि मेरे दोनों ही एग्जाम्पल में, जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था जहाँ पे सबकी 30-30 लाख की टर्नओवर थी वहां पे भी ऑडिट की लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, और जहाँ पे मेरा दूसरा एग्जाम्पल था जहाँ पे एक की 2 करोड़ है
और बाकी सबकी 10-10 लाख 20-20 लाख के 2 लाख कुछ भी एक छोटी अमाउंट आप मान सकते हैं उतनी टर्नओवर है तो वहां पे जिसकी 2 करोड़ से क्रॉस कर रही है उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बाकियों को नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी कैसे अप्लाई होनी चाहिए, पर रजिस्टर्ड पर्सन वाइज। तो ये एक फर्स्ट क्लेरिफिकेशन है जिसपे शायद काफी लोगों को कंफ्यूजन है। देन इसके बाद जो प्रोविजन है उसके बाद वो काफी क्लियर है कि भाई सेक्शन 35 में लिखा है कि आपको ऑडिट कराना है तो ऑडिट की मुझे थ्रेशोल्ड चेक करनी है 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर, 2 करोड़ की टर्नओवर मुझे एग्जेम्प्टेड, नॉन एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट सब जोड़नी है, सिर्फ वो नहीं जोड़नी जिसपे कि मैंने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है, राइट, तो वो मुझे ऐड नहीं करनी है। तो ये मेरा बेसिक प्रोविजन था ऑडिट का। ऑल्दो इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजन है, ऑडिट का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या चेक किया जाएगा और उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली ऑडिट के जो और वीडियोज है उनकी सीरीज में। लेकिन ये फर्स्ट वीडियो था इस फर्स्ट मिसकंसेप्शन को क्लैरिफाई करने के लिए। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी क्योंकि ऑडिट के प्रोविजन आ रहे हैं तो प्लीज अपने सारे अपडेट्स जल्दी लेते रहिए। साथ ही अगर आप चाहते हो कि हमारे अपडेट्स आपको मिले और कंसल्टीज का न्यू जो जर्नल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, मंथ में एक शुरू में हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी रखेंगे, उसके बाद हर 15 दिन में एक जर्नल हम लोग सारे लेटेस्ट अपडेटेड प्रोविजन और कॉन्सेप्ट्स के साथ, रिसर्च आर्टिकल्स के साथ आपके लिए लेके आएंगे। साथ में जो आपके क्वेश्चंस आप हमारी साइट पे पूछते हो उन क्वेश्चन आंसर्स में से भी कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उनका कंपाइलेशन हम अपने जर्नल के अंदर लेके आएंगे। तो अभी हम लोग उसको मंथली रखेंगे, बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके 15 दिन या फिर 1 वीक भी कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मेल पे हमारा जर्नल आपको मिले तो प्लीज आप जो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई ईमेल आईडी है हमारे पिंड कमेंट में इस वीडियो के, उस पे आप एक बार ईमेल करें अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी और आपके एक ब्रीफ इंट्रो, तो उसके बाद हम आपको जर्नल भेजना शुरू कर देंगे। सो विद दिस अपडेट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस सीरीज की बाकी की वीडियोज के लिए प्लीज थोड़ा वेट करें। थैंक यू सो मच।